नमस्कार दर्शकों, आज हमारी मुलाकात होली उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध लोक गायक धूम सिंह रावत जी से, जो कि उनका निवास स्थान उनका घर में होली तो चला। दिल की बात एनपी फिल्म्स का साथमा आज आपको स्वागत है। तो आज हमारे दगड़ छन उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध लोक गायक धूम सिंह रावत जी और उनकी धर्मपत्नी। तो आवा आज धूम सिंह रावत जी से उनकी दिल की बात जानदा, जो एनपी फिल्म्स का माध्यम से आप सबूत है बताला उनकी जिंदगी से जुड़ी खट्टी मिट्टी बात, उनका बारा में हर बात जो आपसे ना पता होली। आज हम एनपी फिल्म्स का माध्यम से आपका सामने उनकी जुबानी बता चाहना, तो आवा उनकी जुबानी सुना। नमस्कार धूम सिंह जी, दिल की बात एनपी फिल्म्स का साथ में आपको स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपको कि आपने दिशा दिल की बात एनपी फिल्म का साथ में थे निमंत्रण नहीं। धन्यवाद धूम सिंह जी, हम जानता था कि आप उत्तराखंड का लोक गायक थे, पर आज हम आपका बारे में कुछ और भी जान चाहना, जैन आपको जन्म स्थान और आपको माता पिता हुए। जरूर, मेरे पापा जी स्वर्गीय श्री नारायण सिंह रावत जी हैं और माँ श्रीमती मुन्नी देवी रावत हैं, और मेरे जन्म स्थान जिला टेहरी गढ़वाल पट्टी बासर ग्राम खवाड़ा, ये मेरे जन्म स्थान से। रावत जी, ये तो है आपका माता पिता का बारे में और आपका जन्म स्थान का बारे में, तो आवा अब आपकी शिक्षा का बारे में भी पता कर लेना। तो आप बता कि आपन अपनी प्राइमरी शिक्षा व कॉलेज कखन करी? मेरी जो शिक्षा इच्छा है एक से लेकर पाँच तक मैंने अपना प्राइमरी स्कूल अपना घूमा, उसके बाद छः से लेकर और बारहवीं तक इंटर कॉलेज जिन्हें खर हमारे अच्छा वक्त, और वे के बाद जिस बी ए फर्स्ट ईयर में ना बी ए फर्स्ट ईयर करेगी वो ऋषिकेश पीजी कॉलेज। तो अब आप हमसे ये बतावा कि आप थे गायकी को शौक कब बिटिन है और आप थे कन क्या लगी कि आप थे ये क्षेत्र में और चाहिए? जरूर, बहुत अच्छी बात पूछा आपने। मैं थे गायकी को शौक बचपन से रही, बचपन से मैं गीत लिखकर उठाए, पहले जब गाँव में लोग माता बहनी देवी बोली जब खड़ा गीत गाँव था वो गीतना सुन रहे थे, तोड़ मरोड़ थे अन्य गीत गाँव, उसके बाद कई अन्य बहुत कलाकार था बहुत गायक था जो थे सुनी थे, और मैं तो ये लगी कि भाई मैं भी छा ये लाइन में हूँ, ये वजह से मैं ये लाइन में। रावत जी से तो बहुत क्वेश्चन पूछ लेंगे, अब आवा हूँ कि श्रीमती से भी जरा कुछ पूछ लेना। तो प्रियंका जी, आप हमते ये बतावा कि आप धूम सिंह जी से कब मिले, आपकी लव मैरिज चा या अरेंज मैरिज, आप कद साल बिटिन धूम सिंह जी थे जान लें? हाँ जी, हमारी लव मैरिज था और हमारा दियो साड़ी ढाई साल होगी, और हम दियो से पहले एक दूसरे साड़ी तीन साल बिटिन जान दा, और हमारी मुलाकात आपसे लगभग साढ़े पाँच साल पहले एक प्रोग्राम में हुई। तो रावत जी, हम सब जान दें कि एक कामयाब आदमी का पिछने औरत को हाथ होगी, तो हम ये जान चाहता कि आपका ये ईदगाह सफ़र माँ आपकी धर्मपत्नी को कदगा साथ है? जी जरूर, जैसे कि मेरी वाइफ पत्नी ने बताई छो कि हम जैसा एक दूसरे से नहीं तीन साल से तीन साल पहले बिटी जाना था, और हमारे साथ से नहीं अभी लगभग छः ढाई साल होने वाला था, और उससे पहले जब मैं साल से पहले जब मैं जैसा किराया पर रन था किराए का रूम पर रन था तो मेरी धर्मपत्नी ने जैसा काफ़ी साथ दिन मेरे कि लेकिन मेरे कोई काम धाम से कोई नौकरी था, तो उनसे हर तरीक़े से चाहे मेरे पैसे से हो चाहे किए भी चीज़ से मेरी मदद करे और बहुत सपोर्ट करी मैं, तो अभी तक भी लेकिन जब हमारे साथ में वे का बाद होना से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी चेंज आई, काफ़ी फ़र्क पड़ी, वे के बाद थोड़ा बहुत भगवान के बस नाम भी होने लगे धीरे धीरे, लोगों ने गीतों तो भी पसंद करी, और जैसा धीरे धीरे प्रोग्राम भी खूब मिल रहा है, तो मैं चाह मैं मान दूँ कि मेरी पत्नी को सबसे बड़ा हाथ सबसे बड़ी योगदान से माँ, और अभी तक जैसा साथ निभाने सा और साथ निभाने डाली, क्योंकि भाई एक पत्नी का तो पति का साथ में जैसा होना जरूरी सा और साथ में जरूरी सा। जैन रावत जी ने बताया कि उनकी पत्नी को उधर बहुत सहयोग रहे, रावत जी हम तो बहुत खुशी चाहें कि आपकी धर्म पत्नी आपका दगर मचा, तो अब हम ये जान चाहना कि आप उन्द्रा उत्तराखंड इंडस्ट्री में कन के आए, आपको पहलू गीत पूछा जो सबू का सामनी है और लोग आपसे पसंद कर लगे? आपन पूछिए, मैं जरूर बता लूँ कि मैं जूसा करीबन 2004 बटी उन फर्स्ट एल्बम आई थी मेरी, वो मेरे को क्रेज थोड़ा कम रही वे दौरान गाना नीचा लिखा मेरा, उसके बाद मैंने गाना लिखे छा टाइप लोग
लेकिन धीरे धीरे करीब चार 2012 मास जब मैंने अपने पहले एल्बम पहले बोल रहा हूँ मैं कि लेकिन वो तो सोचा लेकिन जब कोई इंतजाम होते ये पहले बोल रहा हूँ मैं पहले एल्बम मेरी गाजना तो गाजना काफ़ी हिट और काफ़ी प्रसिद्ध रही काफ़ी लोगों की इच्छा उनके प्यार दी और मैं तो इच्छा मिले माओनों को शौक तो पहले से थे लेकिन थोड़ा सपोर्ट में थे और सपोर्ट धीरे धीरे मैंने बताया कि मेरी धर्मपत्नी मैंने बहुत सपोर्ट करी और मेरे भाई छा कुछ पैसा वेन भी लगाए थे और वेन करी थे मैं रिकॉर्डिंग में हूँ पैसों से करी और उसके बाद धीरे धीरे इच्छा मैं ये मुकाम तक पहुँची। चलो अच्छी बात छा। तो अब प्रियंका जी मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप थे कन लग दू कि आप उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक गायक जी की पत्नी छा किले की जब धूम सिंह जी इतना बड़ा लोक गायक छिन तो उनका फैन भी होला तो मैं ये जान चाहूँ कि आप थे कल लग दूँ और फैन मत जरूरी छा कि नौ नहीं होला क्या पता नौनी भी होली बहुत सी महिलाएं भी होली उनको फोन भी आंदो होलू तो आप ये बतावा कि आप तो जलन नहीं होंगी। हाँ जी मैं सनी बहुत खुशी छा कि मैं एक सुप्रसिद्ध लोक गायक की धर्म पत्नी छूँ और रही जलन की बात तो मैं सनी कोई जलन नहीं छा मैं तो बल्कि चाहूँ कि तो का और फैन धूम सिंह जी अच्छी बात छा कि आप थे इतना अच्छी धर्म पत्नी मिली हम भी चाहते कि अगले भी आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ दी है। धूम सिंह जी अभी आपको गीत है छो गाजीना तो बहुत ही ज़्यादा हिट रहे बच्चों बच्चों का जुबान पर वो गीत छा है हर ब्यो बरात में वो गीत लग दूँ और अभी हाल ही में आपको गीत है ढोल दमा तो जैका की 5 लाख व्यूज भी भेगे तो मैं जान चाहूँ कि आप वे गीत के बारे में हम तक कुछ बताओ। जी ये नहीं कि गाजना आपकी जगह छा और ढोल दमा अपनी जगह छा गजना जो गीत रही लोगों काफ़ी डांस भी करी छा जो बराती में काफ़ी पसंद भी करी और यो गीत भी काफ़ी पसंद करा लोग ढोल दमा क्योंकि ढोल दमा हमारी संस्कृति का खातिर छा कि हमारी जो संस्कृति वो जीवित रहो क्योंकि जो विलुप्त होने लगी हमारे जो ढोल दमा हो मस्कियाबाद रण सिंगा वो तो बहुत कम लोग जान रहे ढोल दमा तो खैर जान रहे लेकिन रण सिंगा और मस्कियाबाद का बारे में तो आज की पीढ़ी तो बिल्कुल भी ना जान रही तो ये खातिर मैंने गीत लिखी और कब कभी ढोल दमा बजदा कै त्यौहार में बजदा कन बजदा वो सब मेरी हमारे दर्शाएँ जितना भी हुए सब होते हैं क्योंकि आप जान रहे कि हमारा जो गीत होना ये कम से कम जो है 6 या 7 मिनट से ऊपर नहीं होना तो वे 6-7 मिनट का एयर फेर में मैंने थोड़ा बहुत दर्शाए छो काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी से ढोल दमा का बारह माह लेकिन काफ़ी पसंद करना लोग होते हैं जना आपने बताया कि 5 लाख से भी उबा होगा दिवस होना सर लगातार बढ़ने लगे हाँ और देखिए ये मेरे हमेशा ये रहने की जैसा नया तरीका से कुछ गीत लिखो नया कुछ म्यूजिक हो तभी लोग होते पसंद करना। बहुत अच्छी बात है धूम सिंह जी कि आप उत्तराखंड की संस्कृति से भी अग्नि बढ़ाना चाहिए। धूम सिंह जी उत्तराखंड इंडस्ट्री बहुत छोटी सी चा तो ये माँ आपसे बहुत अच्छा लोग भी मिली होला बहुत बुरा लोग भी मिली होला है ना तो आपसे कुछ चाण वाला होला बहुत ज़्यादा लोग होला क्या पता चाण वाला कुछ ना चाण वाला भी होला तो मैं आपसे जान चाहूँ कि कभी आप ये चीज़ फेस करी। जी जरूर जरूर मैम काफ़ी लोग छा देखो 50 लोग अगर चाण वाला होगा तो उमन 50 लोग ना चाण वाला होगा और कुछ लोग वहाँ इनकी की जलन की भावना छे जो कन अगड़ी बढ़ने लगे हों और कुछ लोग इन्हें होना क्या बहुत सुधार छा लेकिन मेरे कई घटना हुई है और फोन दिया आई काफ़ी लोग छा कि जुम्मे से जलना भी छा लेकिन मैं वो तो हमेशा जो छा प्यार से मार दूँ मैं ये चाहूँ कि ये लोग जलन की भावना खत्म हो और हमेशा जो छा अगर अच्छा काम करा तो जो बुरे लोग हो भी एक ना एक दिन से रास्ता पड़ा जाए और काफ़ी लोग मेरा जो कि नीचा हवा जो छा लेकिन मैं चाहूँ मैं हमेशा उनसे जो छा बात करूँ ये भले ही ना करूँ मैं से बात करें मैं शिक्षा मुक्त हो लेकिन मैं जान भी नहीं चाहूँ उनसे जो नमस्कार करूँ तो धीरे धीरे जो छा वो तो मिला बुझाया कि हम गलत छोड़ लगे हैं कि जो इंसान है पर हम गोर सोचना है हमारे पर बहुत सोचेंगे तो काफ़ी लोग छा और एक बात मैं आपको जरूर बताऊँ क्योंकि मेरे फर्स्ट गीत जब गायन आए थे तो ये भावना से मैं निकालते किले कि मैंने बहुत सपोर्ट करी थे लोगों को लेकिन मैं तो कुछ हासिल नहीं हुआ और बहुत चोट पहुँचते मैं गई क्योंकि मैं वही टाइम पर बहुत होकर खाई थी मैंने
ये कारण से मैंने गीत निकाले छो। और मेरी ये प्रण गर्व है कि अगर मेरी गीत ना चली तो वे बाद मैं अपनी इच्छा ये जो गढ़वाली हमारी जो संस्कृति जो बोली भाषा ये भाषा में काम करो छो तो मैं ये सब पूरे लाइन की छोड़ दूँ। लेकिन भगवान साथ दे और जो मेरा दुश्मन है बोला अब चाहे हंसे होला चाहे रोए होला लेकिन मैं तो वो से खुशी की इच्छा मैंने गीत निकाली और प्रसिद्ध गीत हुई मेरी। धूम सिंह जी आपन बहुत अच्छी बात बोली कि टैलेंट का दगड़ माँ व्यवहार भी बहुत अच्छी चीज़ चा कि सबको व्यवहार भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो चलो अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँ कि आप हमारी आने वाली पीढ़ी है क्या संदेश देना चाहूँगा जो कि आपकी बहुत ज़्यादा फैन चा जो कि बहुत लोग इन्होंने क्योंकि उधर गायकों को बहुत शौक होगी पर अगने पिछने कोई नहीं होने तो आप इन बतावा कि आपकी तरह जो इन प्रसिद्ध लोग गायक बन चाला तो उधर आप क्या संदेश देना चाहेंगे। बहुत बढ़िया बात बोले आपने। मैं सबसे पहले तो संदेश जो देना चाहूँ अपना दर्शक होते हैं वो बहुत बहुत बधाई और जो हमारे नववर्ष की देना चाहूँ में होते हैं बहुत बहुत बधाइयाँ ये हमारे नववर्ष होते हैं जैसा खुश रखो और होते हैं जैसा हर काम में अगड़ी बढ़ाओ ये हमारा तो मेरा अपना दर्शक खातिर है। लेकिन जो आने वाले जो हमारे जो नौजवान साथ छा जो आजकल जो घर घर में गायक पैदा छा हुआ यहाँ उसमें एक बात जरूर बोलो अपना पैसा समझ चाहिए बेकार इन्वेस्ट न करो क्योंकि हमारे जो ये लैन छा ये में कई लोग अच्छा छा कोई बुरा छा आजकल लोग लड़का लोग जहाँ छा दो तीन 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 हज़ार में छा गाँव करवाने लगे लेकिन उसे इन पता नहीं छा कि ये जो छा गाँव कई हिसाब से गाँव लगे यहाँ और कई हिसाब वे म्यूजिक सुनवा कई हिसाब से काम कोई पता नहीं चाहिए लेकिन उसे केवल गाने से मतलब छे लेकिन और ना ती गीत में कोई वो कि सीधा जुसा ऐस टुक सड़ी गया और सीधा वहाँ पड़ी गया ये गीत है ना। लेकिन मैं ये बतौलूँ कि गाना जब आप लोग लिखता तो वैसे बिल्कुल हिस्टोरिकल जो बिल्कुल ढंग से जो जड़ से हो अट्टुक तक हो ना इन ना हो कि बीच में और तब ऐ जाओ फिर वहाँ पढ़ो ये गीत ना हो गीत में जैसा कोई अश्लीलता ना हो हमारा अगर कोई फोक गीत बना लिया तो वो फोक गीत में कोई छेड़छाड़ ना हो भले आप म्यूजिक दें थोड़ा सा अलग कर लिया ताकि लोग पसंद करो लेकिन शब्दों में तो कोई ध्यान दिन नहीं आप अच्छी तरह जान रहा शब्दों में कोई एर फेर ना हो जो हमारा लोग गीत है हाँ आप समझिए मैं चेंजिंग कर सकता तो मैं ये संदेश देना चाहूँ खासकर जो हमारा नया गायक उभर लगे हाँ और तभी अगड़ी बढ़ सको जब मेहनत करो चाहे लेखनी माँ हो और चाहे पैसों में हो पैसों में दूध हज़ार में गाना करवा तो कख होना है ना जितना मेहनत करा जितना पैसा लगा उतना अच्छा काम हो लूँ और जितना अच्छा लिखा लगा उतना लोग सुना लगे तो यही मेरी इच्छा आजकल का कलाकार होते हैं। बहुत अच्छी संदेश दी आपने अपन हमारे दर्शक होते हैं तो सवाल जवाब तो बहुत भी गए तो अब आप हम थे और हमारे दर्शक होते हैं जरा दी लैन अपना गीत की सुना दिया जरूर जरूर सुनाऊँ मैं लेकिन गीत कई छा क्योंकि सुनने वाले भी कई छा अब कोई कोई गीत सुनो कोई गीत सुनो लेकिन आजकल जो ढोल दमाओ जो ना सुनो आओ मैं होते हैं वो गीत की दी लाइन सुन लो और मैं एक गुजारिश भी करूँ अपने दर्शकों से कि आप लोग जरूर ये ढोल दमाओ गीत सुना ला और अधिक से शेयर भी करा ला और हमारे जो दिल की बात इनकी चैनल का साथ ये चैनल सुनी छा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ये मेरी आप लोगों से विनती है और चलो आपकी बात पर मैं दिलाई ढोल दमाओ सुनूँगा मेरा पहाड़ माँ इधो ढोल दमो बाजला मेरा पहाड़ माँ इधो ढोल दमो बाजला बाजला मस्क बीन बाजला बाजला मस्क बाजी रण सिंह गाजला मेरा पहाड़ माँ दिदो ढोल दमो बाजला मेरा पहाड़ माँ दिदो ढोल दमो बाजला। बाकी गीत आप जैसा एन पी फिल्म का माध्यम से सुन सक रहा पूर्व गीत और अधिक से शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ये मेरी आप लोगों के साथ जरूर गिनती है। धन्यवाद जय उत्तराखंड। तो दर्शकों ये छे हमारी धूम सिंह जी दगड़ी एक छोटी सी मुलाकात आशा कर लूं कि आप सब उधर ही बहुत पसंद आए होली। तो दर्शकों आप हम ते बता ना भूलें कि आप ते हमारे ये कार्यक्रम कल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और एनपी फिल्म्स ते कमेंट जरूर करें कि आप ते हमारे ये कार्यक्रम कल लगी। अगला रविवार दोपहर 3 बजे आपसे फिर मुलाकात होली एक नई हस्ती दगड़। नमस्कार जय उत्तराखंड।